स्थापना दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के तहत टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को 67 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसी को लेकर नीमच में भी जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर स्थापना दिवस मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष शारदाबाई धनगर, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, वन विभाग डीएफओ विजय सिंह, एडीएम नेहा मीणा, एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेस्क, सचिन गोरखुरू आदि कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को 67 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसी को लेकर एक सप्ताह भर का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रभात फेरी से की गई। देखिए, आज मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस है, जो 1 नवंबर को हुआ था 1956 में, जब अपना प्रदेश गठित हुआ था, और उसी के उपलक्ष में एक सप्ताह भर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह हुई थी प्रभात फेरी से। अभी कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों का भी कार्यक्रम है और लोक गायकों का भी कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम किया गया है। वहीं दिलीप सिंह परिहार ने सभी को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस को 67 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 67वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। आज 1 नवंबर स्थापना दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं, यही संदेश देंगे कि मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, और यह मध्य प्रदेश जो आज दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश गान जो बना है वो अद्भुत गान है, उसको हम सुन के ही हमारे में ऊर्जा आ जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो तीव्र गति से हो रहा है। आज सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, और जन अभियान है, जन निगम के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी पहुँचाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ के लिए देश में अगर प्रथम नंबर आया है तो इंदौर आया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।